लेकर पहले इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है, उसके बाद कांग्रेस के नेता वहाँ सफाई देते हैं, बाद में इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को पत्र भेजता है और राष्ट्रपति देखिए देश के सामने एक बहुत असमान स्थिति खड़ी हो गई है। और ऐसे हालात में जबकि कानून मंत्री खुले तौर से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा हो, कानून मंत्री खुले तौर से संवैधानिक संस्था को चुनौती दे रहे हों और कह रहे हों कि चुनाव आयोग रहे न रहे, हम तो जो कुछ हमने जो कुछ गैर कानूनी काम किया डंके की चोट पे करते रहेंगे, जिस जो हमने असंवैधानिक काम किया है डंके की चोट पे करते रहेंगे, ये केवल शुद्ध मात्र आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला ही नहीं बनता, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है, ये जो है शुद्ध रूप से आईपीसी का जो है वो केस बनता है, और साथ ही साथ ये संविधान की मूल भावना और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का मामला बनता है। इसलिए आज पूरे देश की नज़र प्रधानमंत्री के ऊपर टिकी हुई है, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं क्या कहते हैं। अगर सरकार हर बार की तरह इस बार भी चुप रही और प्रधानमंत्री जी ने कुछ न कहा किया और न करा, तो निश्चित तौर से ये माना जाएगा कि जो संवैधानिक संस्था से और संवैधानिक व्यवस्था से टकराव का रास्ता अपनाया गया है वो किसी एक मंत्री के द्वारा नहीं अपनाया गया बल्कि पूरी की पूरी सरकार का सामूहिक फैसला और सामूहिक निर्णय है। ऐसे हालात में जिस हालात में कि जिनके हाथों में कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी हो, जिनके हाथों में कानून को के जो कानून के रखवाले हों वही खुलेआम कानून तोड़ रहे हों और तोड़ने के बाद डंके की चोट पे कह रहे हों कि हम तो कानून तोड़ेंगे जो करना हो कर लो, अब इस पे तो एक ही शेर कहा जा सकता है, किया था वादा जिन्होंने कानून की हिफाजत का उन्हीं के हाथ में खंजर हो क्या किया जाए। जिनके हाथों में कानून की हिफाजत का जिम्मा है वही कानून को तोड़ने के लिए खंजर लेकर घूम रहे हों कि कानून की का खात्मा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, पहले यही तीन प्रचार करते थे, लेकिन अब की बार रावण पढेरा भी मैदान में, प्रियंका गांधी के बच्चे भी मैदान में पहुंच रहे हैं, आखिर कांग्रेस इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रही है? अब उत्तर प्रदेश की जनता एक ही बात पूछ रही है कि तुम्हारे घर का हम कितना आप सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें, तो अब उत्तर प्रदेश के लोग तो यही पूछ रहे हैं। और कांग्रेस को लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से जनता उसे एक के बाद एक नकार रही है, एक के बाद एक रिजेक्ट कर रही है, और दो चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है। और इसीलिए देखिए कांग्रेस के लीडर्स का बौखलाहट भरा, घबराहट भरा, झुंझलाहट भरा बयान सामने आ रहा है। कोई कहता है कि प्रधानमंत्री बुढ़े हो गए, इनको तो जाना होगा चुनाव के बाद, कोई कहता है कि हम अगर नहीं जीतेंगे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, कोई कहता है कि साहब बाटला हाउस में जो आतंकवादी घटना हुई वो आतंकवादी घटना नहीं थी, कोई कुछ कहता है इस तरह का बौखलाहट, और घर कोई कहता है कि आंसू बह रहे थे, तो आंसू तो मुझे नहीं पता नहीं कि बहे थे कि नहीं बहे थे, लेकिन ये बात तय है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस जरूर आंसू बहाती हुई सड़कों पर दिखाई पड़ेगी। एक अंतिम सवाल, इस सरकार में कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं, ताजा मामला सलमान खुर्शीद का, कि प्रधानमंत्री या तो चुपचाप रहते हैं या किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन देने से बचते रहते हैं जब तक पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए। नहीं, पानी सर के ऊपर से गुजरने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक मौन व्रत ले रखा है और मौनी बाबा की भूमिका में आ गए हैं, तो अब उन्हें मौनी बाबा की भूमिका से बाहर निकल करके एक प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसे हालात में जब देश में असमान स्थिति पैदा हो गई हो, संविधान पे संकट पैदा हो गया हो, उन्हीं के मंत्री द्वारा लोकतंत्र और संविधान को चुनौतियां दी जा रही हो, तो कम से कम मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि वो मौनी बाबा की भूमिका से निकल करके कम से कम प्रधानमंत्री की भूमिका में अब तो आएँ और अब तो संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ करें।